ये वीडियो है फैट लॉस के ऊपर। 92 kg है, इसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। वेज लोगों के लिए तो वो एक मेन प्रोटीन सोर्स है। शूट करना तो अलाउड नहीं है, मैं कैमरा छुपा के बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कैसी प्लेस है। साथ में फास्टन अप वालों ने ये प्रोटीन भेजा था, तो ये आपको 300-350 रुपीज में भी हो जाएगा। सो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने कहा था, इस बार ट्राई करूंगा जितना हो सके उतना रेगुलर अपलोड्स करने के लिए। सो आज हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो मैं मेरा गेनिंग का ग्रोसरी लेने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि मंडे से वापस जिम डाइट सब कुछ शुरू होगा। अभी जॉब से मैंने लीव लिया हुआ है। वैसे ये वीडियो गेनिंग के ऊपर नहीं है, ये वीडियो है फैट लॉस के ऊपर। तो अभी हम लोग फैट लॉस की शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, तो वो जो फ्रेंड है उसका मैं अभी फैट लॉस चालू कर रहा हूँ, तो देखेंगे कैसा उसका क्या रिजल्ट रहेगा। उसी की जो भी ग्रोसरी होगी वो हम लोग शूट कर लेंगे एंड वो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। गाइज, अभी डीमार्ट आ गए हैं, तो अंदर जाके क्या कैसे लेना है चलो देख लेते। वेल गाइज, सबसे पहले हम ग्रीन टी ले रहे हैं। ऐसे तो काफी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर, बट ये सबसे चीप है। 25 सैशे सिर्फ 69 रुपीज में। हाँ नहीं, यूजुअली जब मैं मेरी शॉपिंग कर रहा हूँ तो मैं बड़ा वाला ले लेता हूँ, उसके लिए ये छोटा वाला इनफ है। ऐसे तो मैं यहाँ पे सोया मिल्क लेने आया था, अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग लो फैट मिल्क ले रहे हैं। वो है हाई फाइबर ब्राउन ब्रेड या फिर होल व्हीट ब्राउन ब्रेड। आपको अलग अलग टाइप्स के और अलग अलग ब्रांड्स के ओट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्वेकर का ओट्स प्रेफर करता हूँ, ये ऑप्शनल है, लेकिन आप लोग कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हो। जिन्हें ओट्स या तो पसंद नहीं है या जो ओट्स से बोर हो जाते हैं, तो आप म्यूसली भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमें लेना है वो है सोया चंक्स, तो ये वाला ले लेंगे सोया चंक्स। आपको यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज ऑफ ब्राउन राइस भी देखने मिल जाएंगे, बट अभी तो हम कुछ नहीं ले रहे क्योंकि घर पर अवेलेबल है। दैट वॉज इट, सब कुछ ले लिया, आप क्यू में लग चुके हैं। सो गाइज, 551 रुपीज में सब हो गया है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओट्स की क्वांटिटी यहाँ पर 2 packets है। अगर आपको ये सारी चीजें एक इंसान के लिए चाहिए तो ये आपको 300-350 रुपीज में भी हो जाएगा। तो गाइज, ये है शुभम एंड इसका हम लोग, अभी तेरा वेट कितना है? 92 kg है। इसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। टर्न हो जरा। सारी ग्रोसरीज इसके बैग में रख दी है। सो अभी से इसका मंथली अपडेट मेरे चैनल पर आते रहेगा। ओके सो गाइस, अभी शॉपिंग हो गई है एंड हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। सो अभी जो हमने लिए हुए हैं वो है 2 packet ओट्स लिया है, तो इसके लिए 1 packet है, 1 packet मेरे लिए है। सो मैंने 1 packet ओट्स लिया क्योंकि बाकी सारी शॉपिंग मेरी हो रखी थी, मुझे सिर्फ ओट्स चाहिए थे, बाकी सब कुछ तो है। अब जो चीज़ें पेंडिंग है गाइस, सी अगर आप लोगों को ओट्स बोरिंग लगता है तो आप लोग कॉर्नफ्लेक्स ट्राई कर सकते हो, बट कॉर्नफ्लेक्स में प्रोटीन थोड़ा कम होता है, तो आपको साथ में प्रोटीन पाउडर ऐड करना पड़ेगा, या आप सत्तू पाउडर भी ट्राई कर सकते हो। सो यस, ओट्स हो गए। ओट्स के बाद जो था हमने सोया चंक्स लिया हुआ है, और सोया चंक्स एक ऐसा प्रोटीन सोर्स है जो बहुत कम होता है फैट में एंड वेज लोगों के लिए तो वो एक मेन प्रोटीन सोर्स है। उसके बाद में ये तो नॉन वेजिटेरियन है, इसको चिकन ब्रेस्ट डेली का जो है इसका डाइट मैं इसे बना के दे दूंगा। उसके अलावा हमें सोया मिल्क लेना था, सोया मिल्क मिला नहीं तो हमने लो फैट मिल्क ले लिया। एंड अभी बच रहे हैं हमारे फ्रूट्स और पीनट बटर। तो जो फ्रूट्स हैं वो तो हम लोग बाहर से लेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव देते हैं, एंड जैसा भी होगा फ्रूट्स का क्या क्या लेना है वो मैं वहाँ पर जाके कवर कर लूँगा। अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स, जो पीनट बटर है वो लेने के लिए अभी हम लोग सप्लीमेंट शॉप जा रहे हैं, तो सप्लीमेंट शॉप से जाकर हम लोग अभी पीनट बटर ले लेंगे, एक इसके लिए एक मेरे लिए। एंड ब्राउन ब्रेड भी हमने ले लिया है, ब्राउन ब्रेड वो डेली का इसका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके साथ में जो ब्राउन राइस है, ब्राउन राइस तो घर पे पड़ा हुआ है इसलिए नहीं लिया। एंड लास्टली ग्रीन टी,
ग्रीन टी इसलिए क्योंकि इसको चाय पीने की आदत है, तो मैंने कहा चाय तो मत पी अभी, चाय के जगह ग्रीन टी थोड़ा हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा इसको। दैट वॉज इट। और आप लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हो उसमें, तो वो भी घर पे है। सो आगे का सप्लीमेंट शॉप पर जाकर बैठे। सो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं अल्फा इरला। ये है अल्फा वन। शूट करना तो अलाउड नहीं है, मैं कैमरा छुपा के बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कैसी प्लेस है। सो टोटल 790 रुपए हुआ है। सो मैंने तो 2 महीने के हिसाब से लिया इसका, इसको पर मंथ की शॉपिंग थी और बजट इशू भी था, तो इसका डीमार्ट का टोटल बिल कुछ आया 390 रुपीज समथिंग, और ये इसको पड़ा 185 रुपीज का। तो टोटल इसका सब कुछ भी 500-550 रुपीज में इसका सब कुछ कवर हो गया। अब इसका बच रहा है एग्स और फ्रूट्स, तो फ्रूट्स तो ये डेली बेसिस पे लेगा, तो उसका खर्चा हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, बट क्या कैसे लेना मैं आपको समझा दूंगा वीडियो में आगे। और रही बात एग्स, जैसे मैं हमेशा बोलता रहा, तो 100 अंडे मंगा लो सस्ता पड़ेगा, या डेली का 5-10-15 रुपये का अंडा आपने खा लिया तो भी चलेगा। सो लास्ट टाइम जो मैंने पीनट बटर का फ्लेवर लिया था वो बहुत बेकार फ्लेवर था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो इस बार मैंने चॉकलेट क्रंची फ्लेवर लिया हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं, 60 रुपीज़ का डिफरेंस है, बट टेस्ट अच्छा है। ओके गाइज, तो घर पे जाकर कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, अभी सब शॉपिंग करके घर पे आ चुके हैं। सो फैट लॉस का डाइट मैंने कवर कर लिया था। हम लोगों ने लिया क्या क्या है, 2 ओट्स लिए हुए हैं, एक उसका ओट्स है एक मेरा है, तो एक का ही प्राइस काउंट करेंगे। तो एक का पड़ा है 191 रुपीज, और उसके बाद हमने लिया हुआ है टी कंट्री का ग्रीन टी लिया हुआ है, वो पड़ा है हमें 69 रुपीज का, और 50 रुपये के 2 हमने सोया चंक्स के पैकेट लिए हुए। उसके अलावा जो हमने लिया है वो है माई फिटनेस का पीनट बटर, हमें पड़ा है 245 रुपीज का। सो समझा देता हूँ मैं कैसे क्या लेना होता है। पहले मैं मेरा बता देता हूँ, एक क्रिएटिन लेकर आया हूँ मैं, लैब्राडा का क्रिएटिन लिया है। साथ में फास्टन अप वालों ने ये प्रोटीन भेजा था, फास्टन अप वालों ने भेजा, ये खरीदा नहीं है मैंने, हाँ आई एम स्टिल ट्राइंग। सो इसका जो भी रहेगा रिव्यू 30 दिन बाद बता दूंगा मैं कैसा था ये क्या है। ना टेक्सचर स्मूथ क्रीमी टेक्सचर फ्लेवर भेजा हुआ है इन्होंने। सो ये जो भी है इसका अपडेट इंस्टाग्राम पर आ जाएगा। इसके अलावा मैं लेकर आया हूँ मेरे लिए चॉकलेट क्रीमी चॉकलेट क्रंची फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन है, ये मुझे पड़ा 495 रुपीज का। एंड फैट लॉस वालों के लिए ये लिया है, ये 1 महीना चलेगा क्योंकि इसका बजट इशू था, ये पड़ा है इसको 195 रुपीज का, सॉरी नॉट 245 रुपीज का पड़ा है गाइस। ओके ये अभी यहाँ पर या फिर यहाँ पर आपको रेफरेंस आ चुका होगा, अगर आप लोग वेज हो तो आपको क्या क्या हाई प्रोटीन वेजीज खानी चाहिए, अगर आप लोग नॉन वेज हो तो क्या खाना चाहिए। एंड रही बात फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स मैंने अभी कुछ भी खरीदा नहीं है, आपने वीडियो में दिख रहा होगा आपको क्या क्या लेना है, तो अभी एक समरी डिस्प्ले कर दूंगा मैं, ये समरी आ गई होगी कैसे आपको लेना है, किसमें कितना क्या है कैसे, ये सब आपको फैट लॉस की जर्नी में हेल्प करेगा। सो दैट वाज इट गाइस, बजटेड ग्रोसरी फॉर 1 मंथ अंडर 600 रुपीज में आपका सब कुछ कवर हो गया है।